कोरोना महामारी का जो संकट का दौर चल रहा है उससे हर व्यक्ति जूझ रहा है, उसमें डॉक्टर हों, नर्सेस हों, स्टाफ हो, चाहे उसमें जिस जगह पे जिस स्थान पे क्वारंटाइन कर रखा है वहाँ का स्टाफ हो, गढ़वाल मंडल का जो पूरा स्टाफ है जो पूरी तरह से उनकी देख रेख कर रहा है, उनको भोजन व्यवस्था कर रहा है। डॉक्टर कंडारी जी हैं, बहुत सम्मानित हैं, हमारे शहर के बहुत वरिष्ठ डॉक्टर हैं, मैं उनका पूरा सम्मान करती हूँ। लोकल हैं यहाँ पे, उनके बेटे ने फोन पे उनको जो डिमांड करी होगी कि पापा मेरे लिए कुछ एक जोड़ी कपड़े और फल लेके आ जाना, डॉक्टर साहब को शायद इसकी जानकारी नहीं थी कि बाहर से लाया हुआ कोई भी सामान अंदर क्वारंटाइन सेंटर में नहीं जाएगा, क्योंकि ये गाइडलाइन भी है और ये बिल्कुल हमको खुद भी समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पे क्वारंटाइन हो रखे हैं ज़्यादातर वहाँ पे 80% लोकल है। यदि सभी अपने अपने घरों से कुछ ना कुछ खाना फल फ्रूट लाएंगे तो फिर क्वारंटाइन करने का कुछ फायदा नहीं है। ये चीज़, ये खबर जब कल मीडिया में चली, पोर्टल पे चली, तो हमें कई जगहों से फ़ोन आए, SDM साहब यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी मेरी वार्ता हुई, उन्होंने कहा है ऐसे कुछ मेरे संज्ञान में नहीं है, फिर भी उन्होंने इसकी जानकारी ली, गंभीरता से उन्होंने इसकी जाँच करी, ऐसे कुछ नहीं पाया गया। सिर्फ इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी हुई कि जो सामान डॉक्टर साहब ने जो फल दिए थे अपने बेटे के लिए, सुबह जब वो देने आए तो उस समय स्टाफ ने उनको ऐसे कुछ नहीं बताया, शाम को 3 बजे जब उन्होंने पूछा होगा तो बेटे के पास नहीं पहुंचे, उसके बाद उन्होंने जानकारी लेने के लिए यहाँ पे आए थे। तो सेकंड शिफ्ट में जो नर्स थी वो भी हमारी बहन है, वो भी लगातार पेशेंट को देख रही है, वो भी कहीं ना कहीं काम के दबाव में है, हो सकता है उन्होंने डॉक्टर साहब से थोड़ा